जब मैं नींद से सुबह उठता था तो मैं खुश होता था कि अब मुझे नमकीन चाय पीनी है विद। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल। आज का ये जो व्लॉग है काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली मैं लेट उठा क्योंकि आज मेरा ऑफ था, तो इसलिए आज थोड़ा लेट हो गया। अभी तकरीबन 4:30 हो गए हैं, बट कोई इशू नहीं है। आई विल स्टार्ट माय व्लॉग एट 4:30। खुशी की बात यह है कि मेरे जो रूममेट हैं वो नेगेटिव आ गए हैं एंड ही इज़ बैक होम, एंड ये बहुत ही खुशी की बात है कि वो ठीक हो गए। एंड मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि सारे लोग ऐसे ही ठीक हो जाएं और जल्द से जल्द अपने घरों को पहुँच जाएं, और जो हालात बने हुए हैं इससे हमें अल्लाह हमें हमारी हिफाजत फरमाए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे जो रूममेट है उसने वैक्सीन भी लिया था पहला डोज, बट स्टिल उसको कोविड हुआ। तो ये मत समझिए अगर आपने वैक्सीन लिया है तो आपको कोविड नहीं हो सकता, आपको फिर भी कोविड हो सकता है। तो इसलिए प्रिकॉशंस फिर भी ले। मैंने खुद शेव करने की कोशिश की थी बट स्टिल बहुत सारे फॉलिकल्स अभी भी यहाँ पे हैं। तो प्रॉपरली हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। जैसा कि आपको लग रहा होगा कि अभी दिल्ली में काफ़ी गर्मी बढ़ रही है, और अभी थोड़ा थोड़ा मतलब काफ़ी हद तक इतना ज़्यादा, पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी अप्रैल में, अभी काफ़ी कम है कंपैरिजन में। शाम को अगर फ़ैन बंद भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और अभी इतना ज़्यादा ह्यूमिड भी नहीं है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आजकल। बट स्टिल थोड़ी बहुत गर्मी बढ़ रही है, और वैसे भी दिल्ली में रहकर पर डे नहाने का तो है ही, क्योंकि यहाँ बगैर नहाए कुछ भी नहीं हो सकता। कश्मीर में फिर भी एक दो दिन निकल सकते हैं, तो बट यहाँ पे बिल्कुल एक दिन भी नहीं निकल सकता। और यहाँ पे डस्ट इतना ज़्यादा है, घर बैठे भी आपको आपके मुंह पे डस्ट चढ़ सकता है, आपके बालों में डस्ट जा सकता है, और कपड़ों पे डस्ट गिरता है वगैरह वगैरह। जैसा कि मैंने ये देखो सामान के ऊपर ये जो बेडशीट लगाया हुआ है, दिस इज़ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द डस्ट, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब मैं ऐसे करता हूँ तो फिर डस्ट आ जाता है, तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी हम तैयारी करेंगे, इफ्तार की तैयारी करेंगे। मेरे रूममेट को नमकीन चाय पीनी है, उसको मैं नमकीन चाय प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि हम कुछ दिनों के लिए अभी फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे। वो अपने रूम में सोए हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी उनको मतलब वीकनेस है, बट ही इज़ नाउ आउट ऑफ ऑल द सिम्टम्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। और उनको चाय वगैरह और खाना वाना आई विल बी प्रोवाइडिंग फ्रॉम हेयर, एंड वी विल मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग फॉर सम कपल ऑफ डेज। तो सही भी है, क्योंकि क्या पता, क्योंकि ये बीमारी है, कुछ भी हो सकता है। फॉर हिज ओन सेफ्टी एंड माई सेफ्टी वी हैव टू टेक दीज ऑल प्रिकॉशंस। तो अभी मैं थोड़ा अपने लिए रोज़ा तोड़ने के लिए मतलब तारीख के लिए थोड़ा बहुत कुछ रेडी करूँगा, कुछ प्रिपेयर करूँगा, और साथ ही साथ इनके लिए कुछ चाय वगैरह, नमकीन चाय का इनका बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, तो नमकीन चाय बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं। सी यू। नमकीन चाय का क्या सीन है कि इसको पहले ही बॉयल करके रखना पड़ता है, फिर उसमें से आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। और नमकीन चाय बहुत अच्छी होती है अगर आपको हेडेक होता है या आपको थकावट महसूस हो रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अभी हम इसमें से थोड़ा सा हिस्सा लेंगे, इसमें डालेंगे, इसको बॉयल करेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद दूध डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे, एंड इट्स रेडी। नमकीन चाय की और एक ख़ास बात यह है कि मतलब इसकी एडिक्शन बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब बहुत टाइम से मैं अब नमकीन चाय अवॉइड कर रहा हूँ, और तकरीबन बहुत साल हो गया अब मैं बहुत कम नमकीन चाय पीता हूँ। इनफैक्ट बीइंग इन दिल्ली, बहुत लोग ऐसे हैं कश्मीरी जो मतलब जिनको बहुत नमकीन चाय का वो तलब महसूस होती है। लेकिन आपको मैं एक सीन बताना चाहता हूँ कि एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में, मुझे नहीं लगता बाकी सारे मतलब जो फेलो कश्मीरीज हैं उनको कैसा लगा है या उन्होंने कभी ऐसा फील किया है कि नहीं, जब मैं नींद से सुबह उठता था तो मैं खुश होता था कि अब मुझे नमकीन चाय पीनी है विद रोटी, जो कि वहाँ पे हमारा ब्रेड मेकर जिसको कांदूर बोलते हैं वो सर्व करते हैं। तो मुझे अंदर से ना, जब मैं उठता था नींद से, जब मैं छोटा था, तो मुझे बड़ी खुशी रहती थी कि मुझे अब नमकीन चाय पीनी है। तो आई डोंट नो कि सारे लोग ऐसा, किसी ने अभी तक ऐसा फील किया है कि नहीं किया है, बट मुझे ऐसा फील हुआ है। बट आई एम नाउ अवॉइडिंग, बहुत कम कर रहा हूँ मैं ये चाय। और मैं कम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी एडिक्शन मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत टाइम लगा मुझे इसको अवॉइड करने में,
तो अभी मैं पीता हूँ ऐसा नहीं है, मैं घर में भी पीता हूँ बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेस। या तो मैं मोस्टली मैं सुबह के टाइम में नमकीन चाय अवॉइड करता हूँ, मैं 4 बजे जो हम चाय पीते हैं उसमें वो पी लेता हूँ, मतलब नमकीन चाय एट 4 o'clock बस, बाकी सुबह में नहीं। तो फाइनली चाय रेडी हो गई, मतलब नमकीन चाय रेडी हो गई और बहुत ही अच्छी बनी। मेरा वैसे रोज़ा है, मैंने चेक नहीं किया कि इसमें नमक वगैरह सारा जो सामग्री है वो सही से गई कि नहीं, बट मुझे लग रहा है कि कलर के हिसाब से बहुत अच्छी हुई है। तो होपफुली कि इनको पसंद आएगी क्योंकि ये चाय के बहुत फ़ैन है। तो और बिल्कुल मतलब बहुत मोटी हुई, जैसे आपने देखा कि मतलब काफ़ी मोटी चाय हो गई, जैसे वो लद्दाखी गुरगुर चाय होती है ना, बिल्कुल वैसी चाय हो गई। थैंक यू। रोज़ा खुलने का वक्त भी करीब आ रहा है, लाइट कम हो रही है। अब मैं अपने लिए चिकन बना रहा हूँ, चिकन टिक्का नहीं, एक्चुअली सिंपल चिकन जैसे प्लेन बनाते हैं वो अपने लिए और इनके लिए भी बनाऊँगा। और साथ में हम चावल या रोटी जो भी है, चावल मोस्ट प्रॉब्ली चावल खाएंगे और अपना दिन ख़त्म करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल का लॉकडाउन जो आया था वो काफ़ी मतलब बहुत लोगों के लिए मुसीबत बन के आया था, बहुत लोगों ने अपने मतलब अजीज़ों अपने प्यारों को खोया है, तो बहुत बुरा लगता है। बट इसके साथ साथ और एक चीज़ भी आई है कि जो लोग घरों में पड़े हुए थे, बैठे हुए थे लॉकडाउन के टाइम में, उनने बहुत चीज़ें सीखी। जैसे मैंने मतलब बहुत सारे डिशेस बनाने सीखे और बहुत सारे पकवान सीखे, जिसकी वजह से मैं आज इस बार लॉकडाउन में खुद से पकाने मतलब पका रहा हूँ एंड आई एम कुकिंग वेल। तो मैं अपना काम आराम से कर पा रहा हूँ। बाहर का जो मेरी डिपेंडेंसी बाहर की थी कि मतलब हर चीज़ मैं बाहर से ही मंगवाता था और खाता था, वो बहुत कम हो गई है। चाहे मैं अब सिंपल से प्लेन सब्ज़ी बनाऊँ, चाहे मैं सिंपल से सिंपल सब्ज़ी भी बनाऊँ, तो बट आई एम फीलिंग वेरी प्राउड दैट आई एम एबल टू कुक। और दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर कि अपने बच्चों को आप कुकिंग भी सिखाएं, मतलब ऐसा ना हो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को जब मैं किचन में काम करता था उनको अच्छा नहीं लगता था, खासकर मेरी मॉम। आई डोंट नो इमोशनल रीजंस, बट आई वांट यू ऑल टू प्लीज़ टीच योर किड्स, मतलब ट्रेन योर किड्स इन कुकिंग एज वेल, कि उन्हें बनाना आता हो, सिर्फ मैगी तक महदूद ना रखें या फिर चाय तक महदूद ना रखें, बल्कि उन्हें अच्छी तरह कुकिंग सिखाओ। ट्रीट देम एज, क्योंकि वो अब खाते हैं, दुनिया में हैं, इंसान हैं और इंसान है तो खाएंगे, तो ऑब्वियसली उनको बनाना भी आना चाहिए। तो मैं सारे पेरेंट्स से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को सिखाए खाना बनाना, चावल कैसे बनाते हैं, चिकन कैसे बनाते हैं, सब्ज़ी कैसे बनाते हैं, आलू प्याज कैसे बनाते हैं और पनीर कैसे बनाते हैं। तो ये चीज़ें उनको उनके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा और आगे कहीं पे भी वो जाएंगे तो उनको ये दिक्कतें नहीं आएंगी जो हमारे साथ हुआ है, जो हमने दिक्कतें देखी है। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहाँ भी ख़त्म करता हूँ, मैं काफ़ी थक गया हूँ, मैं बहुत अभी चिकन विकन वो सब बनाना है एंड आई विल बी टायर्ड, तो इसलिए इसको यहीं पे ऐड करते हैं। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो ये वाला बटन दबाइए, अगर आपको पसंद नहीं आई तो ये पिछली वाली वीडियो देखिए, मे भी आपको ये पसंद आ जाए।